महानगर में होमवर्क पूरा न करने पर कोतवाली थाना क्षेत्र के मियां बाजार निवासी 5 वर्षीय छात्रा को तथाकथित टीचर 10वीं की छात्रा से ट्यूशन पढ़ना महंगा पड़ने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के मियां बाजार निवासी 5 वर्षीय शिखा बदला हुआ नाम के होमवर्क पूरा न करने पर तथाकथित किशोरी टीचर ने गर्म पलटा से हाथ जला दिया। बच्ची की मां मुन्नी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, मियां बाजार निवासी लालचंद की बेटी शिखा बदला हुआ नाम पड़ोस में रहने वाली 10वीं की छात्रा से ट्यूशन पढ़ती थी। आरोप है कि मंगलवार की शाम को बच्ची उसके घर पढ़ने गई। होमवर्क पूरा न होने पर ट्यूशन पढ़ाने वाली किशोरी ने गर्म पलटा से उसके हाथ और अन्य जगहों को जला दिया। बच्ची घर आई और अपनी माँ को जानकारी दी। इसके बाद माँ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित छात्रा और छात्रा की मां मुन्नी देवी ने कहा, किसे पलटा से गरम था तो क्या की टीचर तुम्हारी क्यों जलाई आपको बताइए। देखिए यहाँ देखिए क्यों जलाई। अच्छा, याद करके नहीं गई थी। हाँ नमस्ते सर, क्या नाम है आपका। मम्मी हमको पकड़े थे, जलाए थे। कौन जला रहा था। वही हम पढ़ने गए थे ना। कहाँ गए थे पढ़ने। वही जा कोचिंग में। ऐसे बोलो, कोचिंग में क्यों जलाई आपको टीचर। याद नहीं करके गए थे ना। क्या कहे टीचर। कहीं कि याद करके आना। याद नहीं करवाई, पैन खुलवा के फिर जला दी। मुन्नी देवी, बच्ची गई थी पढ़ने, उसके बाद टीचर पता नहीं क्या पूछी, याद नहीं था बच्ची को, तो उसके बाद उसको कहीं पैंट उतारो, पीछे भी जला दी, दोनों हाथ गाल पे भी जला दिए। उसके बाद हम ड्यूटी से आए तो बच्ची हमको बताने लगी, उसके बाद हम कार्रवाई कर दिए। कितनी देर बच्ची आपको पढ़ने जाती थी। हमारी बच्ची अभी 1.5 महीना से वहाँ पढ़ने जाती थी। अभी 1.5 महीना हुआ, 28 तारीख आएगा तो 2 महीना पूरा होगा। 1.5 महीना में ऐसा हाल सा हो गया मेरे बच्चे के साथ। ये इस घटना के बाद आपने कुछ वार्ता की। वार्ता किए थे, सुलनामा करने के लिए बोल रही हैं, मगर अभी तक कुछ उनका पता ठिकाना नहीं है, तो इसलिए भाई हम मुकदमा कर दिए हैं। आपने पूछा नहीं कि बच्ची को कह रही है। बच्ची को जलाए नहीं, बच्ची गलती से जल गई है। बच्ची गलती से जल गई है, आगे भी जल गई, पीछे भी, हाथ पे भी। कैसे बच्ची गलती से जलेगी। बैग भी लेके गई थी, बैग भी जला है, और समोसा छानते हुए उसी पलटा से जलाई हुई है। अब इसके आगे कुछ क्या कहें। कितनी उम्र है बच्ची की। बच्ची है 6वां साल लगा है, 5 साल की है, 2 साल हुई, 2 महीना हुई जाते जा रहा है 6वां में। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग, कहाँ जाती थी बच्ची पढ़ने। जैसे मियां बाजार में हमारा घर है, तेलियाना में, मियां बाजार तेलियाना, डॉक्टर गोपाल के बगल में, और उसी 2-4 घर की बगल में बच्ची जाती थी कोचिंग करने। वो कहीं और भी पढ़ाती है किसी विद्यालय। नहीं नहीं नहीं, वो भी 9th में पढ़ती है बच्ची, 9th में पढ़ती है। कहीं आंटी बच्ची आपकी लॉकडाउन के नाते घूम रही है, हमारे पास भेजिए, हम पढ़ा दे रहे हैं, हमारा ही क्लास में पढ़ती हैं, इसलिए हम भेज दिए हैं। तो उनकी मम्मी कहीं जब रो रही थी, उनकी मम्मी कही जैसे आपकी बच्ची उसी तरह हमारी भी बच्ची, हम तो विश्वास में छोड़ दिए, हमको क्या पता विश्वास में हमारी बेटी के साथ ऐसे कर देंगे।